हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। IBPS ने 4135 पदों पे एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाँ जी, अभी बैंकिंग में बहुत अच्छी अच्छी भर्तियाँ आई हुई है। SBI ने भी फॉर्म निकाले हुए हैं, IBPS ने भी क्लर्क की भर्ती निकाली हुई है और अब IBPS का एक और नोटिफिकेशन जारी हो गया है 4135 पदों पे। 50,000 रुपये वेतन दोस्तों, बहुत अच्छा वेतन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो यदि आप इस भर्ती की सारी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो IBPS की तरफ से दोस्तों ये भर्ती निकाली गई है। IBPS क्या क्या काम होता है, कई बैंकों को ज़रूरत होती है अनेक प्रकार के पदों के ऊपर, फिर वे बैंक IBPS को बताते हैं कि हमें, जैसे UCO ने बता दिया, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने बता दिया कि हमें बंदों की ज़रूरत है। फिर क्या करता है IBPS, बंदो कैंडिडेट को हायर करके इन बैंकों को देता है, ठीक है। तो IBPS ने नोटिफिकेशन जारी किया है, अनेक बैंकों ने ज़रूरत महसूस की है उसके बेस पे। तो यहाँ पे 20 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट 10 नवंबर 2021 है और इसमें प्री एग्ज़ाम डेट बताई गई है 4 से 11 दिसंबर और मेंस जो होगा वो होगा जनवरी 2022 में। यदि हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपये फ़ीस है, SC ST PWD के लिए 175 रुपये फ़ीस है। फ़ीस आपको ऑनलाइन ही भरनी है। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बताया कि अच्छी खासी वैकेंसी है, आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए। तो यहां पे 4135 पदों पे भर्ती निकाली गई है। एज लिमिट की हम बात करें तो 20 से 30 साल, हाँ जी 20 से 30 साल एज बीच आपकी एज होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी की यहाँ पे इसके अंदर रहने वाली है और बाकी जो कैटेगरी है उनको जो छूट होती है वो आपको अलग से दी जाएगी और एज की काउंटिंग 1 अक्टूबर 2021 इस डेट को काउंट की जाएगी कि आप कितने साल के होते हो, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पे यदि हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की हम बात करें तो जनरल के लिए UR के लिए 1600 वैकेंसी है, SC के लिए 679 वैकेंसी है, ST के लिए 350 वैकेंसी है, OBC के लिए 1100 वैकेंसी है, EWS के लिए 404 वैकेंसी है। यहाँ पे दोस्तों पोस्ट निकली है प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी। पोस्ट का नाम क्या है, PO या मैनेजमेंट ट्रेनी। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने BA कर रखी है, चाहे आपने BCOM कर रखी है, BSc कर रखी है, आप एलिजिबल हैं। और दोस्तों आपके नंबरों की डिटेल है, मार्क्स की डिटेल आपको जब आप फार्म भरोगे उस टाइम पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, इसलिए अपीयरिंग कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। यहाँ पे आप अलग अलग से देख सकते हैं किस किस बैंक ने यहाँ पे भर्ती निकाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन 11 बैंकों ने मिल के ये भर्ती निकाली है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें प्री एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। यदि हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो प्री एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 20 मिनट का टाइम, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 20 मिनट का टाइम, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर, 20 मिनट का टाइम, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 60 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। उसके बाद में जो मेंस की हम बात करें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी 45 क्वेश्चन 60 नंबर के, 60 मिनट का टाइम, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 35 मिनट का टाइम, इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 40 मिनट का टाइम। उसके बाद में डाटा एनालिसिस और इंटरप्रेशन 35 क्वेश्चन 60 नंबर के, 45 मिनट का टाइम, टोटल 155 क्वेश्चन हैं, 200 नंबर है, 3 घंटे का टाइम है। इसके अलावा दोस्तों आपका बाद में होगा इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग या ऐसे का आपका रहेगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे और 30 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो IBPS में भर्ती निकली है,
IBPS के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है और बैंकिंग में जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए भी बहुत बड़ा चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये कि आपके लिए कम से कम भी तीन अलग अलग प्रकार से SBI ने भी निकाली है, IBPS ने अलग से निकाली है, IBPS ने आज PO का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, अच्छी खासी जो वेतन है सैलरी है 50,000 के आसपास आपको सैलरी यहाँ पर दी जाती है। ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, 10 नवंबर लास्ट डेट है अप्लाई करने का। लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और IBPS बैंकिंग सेक्टर के लिए हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आने वाली है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।